भाई गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला दे परिवार वालों बेनती है कि ये जो मेरे पास से खड़े हैं वीर जी इन्हां दे बनाई आ रंग किया गेट नूं होर भी रौनक वाधा किया है। सारी मैं संगत नूं सिख कौम नूं सारी नूं बेनती करदा है कि वध तों वध वीडियो शेयर करो वध तों वध देखो। इन्हां बेनती करता है भाइयों से तह दिलों धन्यवाद करता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। सत श्रीकाल जी सारिया नूं। ते तुसीं साडे पिछे लगा बोर्ड दे अग्गे तुहानूं अंदाज़ा हो ही गया होणा कि असीं अज कित्थे खड़े आ। असीं अज खड़े जी जिला मोगा दे विच पिंड बुद्ध सिंह वाला। ते इत्थे दे इक सिख कौम दे बहुत ही महान शहीद होए आ। ते आओ तुहानूं अज उहनां दे घर लै के चलदे आ, उहनां दे घर दे दर्शन कराउंदे आ। ते ज़्यादा टाइम ना खराब करदे हुए ते आपां चलदे आ। ते मैं दसना भुल गया, मेरे नाल हैगा अज बिंदा। ते बिंदा बहुत ही सोहणा टैटू आर्टिस्ट आ ते पेंटिंग वगैरह जिदा अजकल बहुत बड़िया जिहड़ियां 3D बनदियां ते वो बनाउंदा आ। ते ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, आओ फिर लै के चलते। एक बेनती है जी, जे तुसी वीडियो देखना स्टार्ट कर लिया तो एंड तक जरूर देखते रहो। तो जेडे दोस्त साढ़े नाल नवे जुड़े आ उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने हले तक चैनल नहीं सबसक्राइब किया उन्होंने भी बेनती है कि चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लियो। मोगे एरिया की जिहड़ी मैनूं पहली खासियत लगी है, इधर सड़कां बहुत ही खुलियां डुलियां, पिंडां दीआं सड़कां भी बहुत खुलियां डुलियां आ। साडे तां मतलब कई शहरां दे विच भी इन्नी खुली डुली सड़क नहीं हुंदी। ते जे किते दुआबे एरिया दे विच किसे पिंडां दे विच खुली डुली सड़क हैगी भी आ तां लोकां ने अपने गेटां दे रैंप बार नूं कढ कढ के उह दब्बी होई आ। ਫਿਰਨੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਫਿਰਨੀ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜੀ? ਆਵੇ ਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। अच्छा जी, इत्थे रहिंदा बापू जी कोई? कौन जी? इत्थे रहिंदा घर कोई? हां हां ओदे भरा हैगा जी। अच्छा जी, परिवार कल्ले ही है जां परिवार है उहनां दा नाल? नहीं, होर वी भरजाइयां वी आ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ
शहीद भाई गुरजंट सिंह जी दे बड़े वीर आ घर दे विच ते उहनां दे नाल तुहानूं एक मुलाकात करवाने तो तुहानूं घर दे दर्शन करवाने तो एक्चुअली जदों ये गेट असीं देखिया सी ना मैं इंटरनेट ते देखिया सीगा ते ये गेट दे उपर रंग होया सीगा जिहड़ा थाने नहीं गेट नूं रंग होया हुंदा लाल ते नीला जिहा तो हुण इन्हां ने 20 दिन पहलां ही इहदे ते लिया के जदों गेट द्वारा स्थापित किया तो इहदे ते पीला रंग कर दिता। तो मेरे नाल बिंदा आ ते बिंदे दे कोल समान हैगा सारा अपना पेंटर वाला। तो बिंदा कहिंदा भी आपां गेट दे उपर कोई चीज़ बना के जाने तो मैं बिंदे नूं कहा भी पंजाब दा नक्शा बना दे है ना गेट दे उपर ते उह वी तुहानूं दिखाउने आ कि गेट दे उपर अज बिंदा की कारागिरी करदा। तो मैं तुहानूं दिखा भी दिंदा कि साडे कोल सारा समान सीगा जदों बिंदे ने भी स्टोरी पढ़ी बिंदा कहिंदा चल भाजी आपां अपना कंप्रैसर ही लै जांदे आ भी जे इहदे ते हल्ले भी थाने वाला रंग होया तो आपां कंप्रैसर दे नाल सारा गेट ही पेंट करके आवांगे। तो बिंदे दे कोल डिग्गी खोली तुहानूं दिखावां डिग्गी खोली अंदरों खुली है गड्डी वो अंदरों अंदरों प्रेस कर दो नहीं मेरे को है कि चाबी कोई चाबी ना खोल लेना ये देखो बिंदा अपना कंप्रेसर लेके आया ही कहिंदा उदा जे पेंट करन लगे पेंट करन लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना तो आप कंप्रैसर के नाल पेंट कर लाँगे। तो ये अपना हम समान कढ़ लिया तो देखते हैं कि कारागिरी करता प्रोपर ਮਗਲੈਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੇਢਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਕੀ ਕਾਰਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕਦੇ ਪਏ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣਾਊਂਗਾ ਗੇਟ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ 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 ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੇਟ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਉਹ ਗੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
गेट कितना की हुआ है ये आज तो 35-36 साल पहला समय दी हुकूमत लेने के ठंड जाते थोड़ा जा बेकार जा सीगा अच्छा जी दिमाग उदा इतना नहीं सीगा वो ला के ले गया जी कल्ला गेट ही नहीं बाकी समान दा घर दा सारा जिन्ना भी सीगा सब ले गया जी अच्छा जी इत्थे ते यो ठाणे दे बाहर लगा रहा हुण तो 20-25 दिन पहला तक अच्छा जी बाद च असीं वीले शीले करदे रहे कल गेट मारे नहीं वैसे भी इत पर घरे नहीं बड़े 3-3.5 साल अच्छा जी तो हौली हौली पर समा आया हूँ हौली हौली तो वो गेट सानू मिल गया ठीक है जी मिल गया यानी कि मिल गया ठीक है जी हूँ इतने अपने लगा हुआ ये 20-25 साल मतलब 35-36 साल बाद गेट घर यानी कि वापस आया वापस आया हाँ जी ठीक है जी ठीक है बड़ी कौम ने खुशी मनाई ये हाँ जी मैं भी ये बारे एक स्टोरी निकी जी पढ़ी सी तो मैनू भी बड़ा होया सी दिल में यार जरूर जाके दर्शन करने का मौका मिले तो जाके आइए है ना तो बापू जी भाई शहीद भाई गुरजंट सिंह जी थोड़ा जहा दसूंगे पे इस लहर के जो वो कि उम्र से जो इस लहर के नाल जुड़ गए थे 18 साल उम्र अच्छा जी 18 साल उम्र सी इदा का की होया जो उन्होंने इदा का फैसला किया कि मैं अज तो बाद संघर्ष के लड़ूंगा जाके साढ़े चाचा जी इस पास गुरसिखी वाले पास बाले से उन्होंने संत इतों 5-7 किलोमीटर तीन रोडे पिंड संतों का पिंड अच्छा जी तो उन्होंने भरा के नाल भरावान रेंदे इकट्ठे ठीक है जी तो उन्होंने साढ़े भी आनी जानी साढ़े ने भी जान पछाण हो गई उन्होंने भरावान की तो वह बच्चे समझ के सानू भी लाड़ प्यार करते रहते तो ये गुरजंट ना थोड़ा ज्यादा हो गया तो मुड़ के बोर्ड चल लग गया मोगा विखे बीबी कान कौर के गुरद्वारे सिंह जत्थे जाने शुरू हो गए उत्थे हफ्ता 10 दिन मोर्चा चलिया तो मुड़ के गोली चल गई दादे का भरा तो वह उत्थे शहीदी पा गया गोली लग गई उन्होंने अच्छा जी तो एक गुरजंट ने फिर मोगे जाना शुरू करता अच्छा जी करफू के भी जा वड़ता हौली बचता पा ठीक है ये पता नहीं किमें कपड़े वे गया लिबड़े वे तो उतों कहता भी अपना बाबा का शहीद करता अच्छा जी इतने पिंड आ कहता पिंड से सच ना मन के तेन तू कड़ा लाश वेखी है कहता लाश नहीं कपड़े बाबे के मैं भुलिया वै कहता पा के गया इतों मेरे सामने पा के गया कहता कपड़े वो कपड़े पे है लथ पलथ हो ढेर लगा पा कहता होर भी सिंह शहीद होए होने उदो 9 सिंह शहीद हो गए थे उत्थे अच्छा जी उतों कहता भी मैं अज तो मैं तो कौम के समर्पित हो जाना कहना तो बदला लूंगा जो लिया गया तो जो ना लाया गया तो फिर आप भी बाबे मगरे जावे तो उन्हें उदू मुड़ के दम वो जो मुंडे जे ख्याल से उन्होंने मिल वरत शुरू करके तो गार्ड बना रहा तो मुड़ के इन्होंने ये कर गए बीबी संघ सभा का गुरद्वारा अच्छा जी जो 84 का अटैक होया उन्होंने 84 का अटैक थोड़े दिन बाद हो गया जी तो उत्थे फिर गिरफ्तार हो गए फड़े गए अच्छा जी एक ग्रंथी सिंह शहीद हो गया उत्थे एक फौजी मारता इन्होंने थे दूजे देसी पिस्तौल दी अच्छा जी तो उत्तों फिर इन्होंने 16 दिन नहीं पता लगा था सानू अभी तक भी वो शहीद हो गया है नहीं गया कि पर साढ़े पिंड का इतों बौरिया सिंह वो सब्जी में जाते उत्थे हथकड़ी लगी 3 तरीक ले आते इन्होंने मुंडिया तो इन्हें वेख्या मुलाकात करे फिर दसता कर अपना गुरजंट है जेल चाह ठीक है जी उस जेल मुंडे सारे उस लाइन दे फिर पढ़िया भी जेल जूल ची काफी पढ़िया अच्छा इतने स्कूल नहीं गए पहले स्कूल नहीं इतने नहीं गया जमें अच्छा जी तो मुंडे कहते तेरा दिमाग पता तेन पढ़ा लाजमी है तू कौन दे काम आने वाला बंदा मुड़ के उत्थे पढ़िया पढ़िया जो बरनाला सरकार बनी उदू बाद 2.5 साल लग बाद जमानत हो गई जमानत होने सार ही फिर पुलिस पैन लग गई अच्छा जी बहुत मुड़ के तो घर सहु खा गया कहता मैं भजना मैं नहीं मैं हम ज्यौदा नहीं हथों देना मैंने मार देने जो फड़ लिया उतों फरार हो गया अच्छा जो जमानत ते आए तो उस बाद भी पुलिस आके तंग कर दी हथा सारे मार देने मुड़के कला करके मार लिया जहेदार तो बाद गुरजंट तो
ठीक है जी। तो इतने मेरे मतलब मैनू कोई लफ्ज नहीं आते आप एक जनू सिरड़ रख लीए भी जोड़े कौमले लड़ते है ना भी अपना की गवा लेंगे जिदा अपने परिवार बारे अपने टब्बर बारे नहीं सोचते है ना ज फिर ये मैं मेरे को लफ्ज खत्म आ कि मैं लफ्जा के बयान नहीं कर सकता भी संघर्ष के जिन्होंने अपना योगदान पाया। तो बापू जी एक चीज़ होर सी एक एक मैं जो कहते जो चल गए थे तो एक बार बाद घर आए थे तो वह दादी जी ने कोई वार्तालाप हुई थी वह भी जरूर दस्यो। हाँ जी वह ना अपने जिमीदारा देखो झगड़े तो जमीन जमुने चलते रहते हैं। हाँ जी तो अपना भी एक चलता जी। अच्छा जी तो माई तरीक से जाना पैदा जी। अच्छा जी तो माई कहती गजेंट पुत तेरा हूँ कि ना है तेरे आखे सारे अफसर उफसर सब लगते हैं तो तू आ जी जमीन है ये ना करा जा बच्च तेरा भी नाम बोलता वो तेरा भी हिस्सा है तो आना बे ब्यास के कहता कहना बेबे तू कि हिस्से की गल कर दी। अच्छा जी मेरा तो हिस्सा बहुत संघले सिवें भी है नहीं कहना तो बाकी जी थोड़ी गल कहना रोटी मिली जाती खा लो गां पता नहीं थोनू भी खाण देने कि नहीं गौरमेंट ने चल एक सूते लगते हैं तो मैं इतों मुड़ के कहना जमीन का किसी भी घर की चीज़ का मतलब मैं अज तो कौम का हो चुका मैं कौम लिए कम करने ना कि घर लिए मतलब ये भी एक बहुत वड्डी चीज़ है भी जे उन्होंने उस टाइम उन्होंने नाँ से है ना तो उन्होंने अपने नाँ नू इस चीज़ लिए बिल्कुल नहीं वरत्या फिर मेरे घर का झगड़ा झगड़ा आ फिर मैं उन्होंने डरा ला जा कुछ भी है ना उन्होंने मतलब थोड़े टब्बर से छड़ दिता कि घर का झगड़ा तुम जो मर्जी करना तो बापू जी एक चीज़ जी भाई साहब जी की बरसी मनाने 28 जुलाई ना। हाँ जी 29 जुलाई 29 जुलाई ये इस घर ही मनाने जा गुरुद्वारा साहब इतने पिंड घर ही मनाने जी ज़्यादा मौसम खराब हो छत नहीं होंगी घर फिर गुरुद्वारा साहब ले ठीक है जी। ठीक है संगत आँदी है वादू संगत बहुत जी मेला लग जाता इतना। अच्छा जी तकड़ा मेला भरता कोई मेला ही लग जाता। ठीक है जी ठीक है बड़िया दुकाना लगदियाँ इतने बेचने सारा कुछ सही है। तो बापू जी एक चीज़ होर मैं पूछनी थी जिदा हम बहुत जे भाई साहब बारे जीवन बारे जानना हो ना मैं तो लगता जो आप दो तीन दिन भी लगातार गल् करी जाइए तो वह भी टाइम थोड़ा पैना है ना तो मैं चाहना कोई तुम उन्होंने नाल बचपन बताया कोई बचपन की याद जरूर एक बार कोई साझी करो कोई भी बचपन की याद बचपन की याद तो गुड़ बड़ा खाना होंगे। अच्छा गुड़ तो मेरे हिसाब ना दो तीन तीन किलो खा जाता वो। अच्छा जी बहुत ज्यादा घर का गुड़ होता घर कमाद बीजते लोग सारी ठीक है जी अपने बीजा होता जी तो होर साढ़े ना सारे भरावान चार भरा सी असी। अच्छा जी चार भरावान ही दिमाग था बस यार शिकार बहुत खेडता होंगे जी सहा उन्हें कहते कहते थे मार देना। अच्छा जी ठीक है जी। तो बापू जी एक चीज़ होर जिदा हम जिदा 35 साल दस्या 35 साल बाद गेट वापस लिया है ना तो हम जिदा हम तो नहीं कद पुलिस तंग करती नहीं जी हम नहीं करती हूँ ठीक है ठीक है जी चलो ये भी परमात्मा की मेहर आ पी क्योंकि जो हम मुंडे नवे अवसर बदगा है सियाने पुराने मैं लगता जो पुराने जिदा कह लो आपस जिदा जैदबाजी नहीं रखते होंगे अपने जिथे भी कितने नाके नुके सू मिले सत्कार ही होया बेनती करते घर थोड़ा कौमी घर है गुरजंट सिंह का घर निकलने का सारी कौम का हो चुका है जो मर्जी आओ दरवाजे खुले आ 29 जुलाई हर वारी बरछी असं मनाने धूमधाम जरूर दर्शन दया करो वो चढ़ के ठीक है जी। तो ये सन साढ़े नाल जी भाई जगरूप सिंह जी भाई गुर शहीद भाई गुरजंट सिंह जी के वड्डे भरा तो बापू जी तुसी बहुत बहुत मेहरबानी तुसी सानू समा दिता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो बिंदे का काम भी हुण लागे हो गया हुण आओ देखते हैं बिंदे ने की कारागिरी की आ ਬਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਹੋਰ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ
ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈ ਆ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਣਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਬਿਹਤਰ